दोस्तों, चेहरा सुंदर बनाने और ग्लोइंग फेस पाने के लिए अगर आप कोई क्रीम लगाते हैं तो एक बार शहनाज हुसैन के टिप्स और घरेलू उपचार प्रयोग करके देखें। पहला उपाय है, स्किन को सॉफ्ट और फ्रेश बनाने के लिए थोड़ी सी हल्दी 2 चम्मच दही में मिलाकर अच्छे से मिक्स करके इसे फेस पर लगाएं। 15 मिनट के बाद इसे पानी से धोकर साफ कर लें। हर रोज इस घरेलू नुस्खे को करने से आपका चेहरा काफी फ्रेश दिखने लगेगा। दूसरा है, स्किन कॉम्प्लेक्शन अच्छा करने के लिए नींबू का रस, खीरे का रस और दूध को एक समान मात्रा में लेकर मिक्स करके चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को वॉश कर लें। इस उपाय को करने से आपके फेस पर ग्लो आ जाएगा। तीसरा है, चेहरे के काले दाग धब्बे हटाने के लिए 2 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद मिलाकर इसका लेप लगाएं और 20 मिनट के बाद इसे वॉश कर लें। इस नुस्खे का हर दिन इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे धीरे धीरे चले जाएंगे। चौथा, पिंपल से छुटकारा पाने के लिए चंदन का फेस पैक बनाकर अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरा धोकर साफ कर लें। नीम के पत्तों से बना पेस्ट चेहरे पर लगाएं। नीम में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो चेहरे के कीटाणु को खत्म करते हैं और इससे पिंपल्स निकलने की समस्या दूर होती है। पांचवा है, ऑयली स्किन का इलाज करने के लिए 1 चम्मच दही में 1 चम्मच टमाटर का रस मिलाकर इसे फेस पर लगाएं और इसे 15 मिनट यूं ही रहने दें और फिर अपना चेहरा वॉश कर लें। दोस्तों, इन उपायों को करने से आपका चेहरा दमक उठेगा। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।